मैं उमेर भाई के सीधा यहाँ पे लगाऊ। दोनों को हम लोग चादर में लेके जाएंगे, रेड कलर येलो दुपट्टे में लेके आऊंगा, क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ जाता है हवा के झोंके से। उबेद भाई आप माशाल्लाह से अपने दिल का एहसास बताएं कि आपके दिल का एहसास क्या है। क्या एहसास होगा? कहने का मकसद यार इस बच्चे की शादी करा दो, इधर आओ, इस बच्चे का सेहरा सजवा दो इंशाल्लाह। बच्चे ये थोड़े से अपने पैरों पे खड़े हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, रिश्ते तो अल्लाह पे तो खड़े हो गए बचपन पे। एक दफा मेरे दोस्त ने मैसेज छोड़ा मार्केट में, बेगम चाहिए, सब ने मैसेज किया मेरी ले लो मेरी ले लो मेरी ले लो, उसने वापसी मैसेज छोड़ा कि मैं खुद दे रहा हूँ ले रहा नहीं हूँ। हेलो भाई आदाबाद। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं फाइनली उमेर भाई और उबेद भाई की माइयों में। दोनों के दोनों भाई सही से वीआईपी फोटोग्राफियां करवा रहे हैं अभी बाहर। अभी मैं सीधा अंदर आ गया, मैंने बोला चल यार रूम से पहले स्टार्ट करते हैं फिर चलते हैं बाहर। तो अभी मैं आपको दिखा दूं 10:04 हो रहे हैं, अब चलते हैं हाँ हॉल में। माशाल्लाह से अरीब की किटिंग देखो भाई, सुभान अल्लाह। चलो चलो चलो, अस्सलाम वालेकुम। आओ मुन्नी, सलाम कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। ओहो इतनी प्यारी मुन्नी लग रही है माशाल्लाह से। ओहो ये देखो भाई कितने प्यारे प्यारे बच्चे माशाल्लाह से आ चुके हैं हमारे पास, सलाम तो कर लो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वापसी एक और दफा सलाम करें, गले भी मिले। बहुत कम मुलाकात होती है इस वजह से मैंने बोला आज ईद भी मिल लूँ इनसे। अस्सलामुअलैकुम। देखे भाई माशाल्लाह से इतने प्यारे तैयार होकर आए, ये देखो भाई दोनों छोटे छोटे, सलाम तो कर लो, आप भी सलाम तो लो। एक लाख मामू अभी हमारे साथ ही जाएंगे, मामी के साथ नहीं जाएंगे, मामी को अकेले जाना पड़ेगा। ये क्या बना रहे हैं आप लोग? कबाब और टिक्का वगैरह बना रहे हैं। देखो माशाल्लाह से हॉल की एंट्री कितना प्यारा, दुल्हन की तरह लग रहा है भाई पूरा हॉल। और उमेर भाई लोग वो टॉप पे फोटोग्राफियां करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम उमेर भाई, अपने दिल का एहसास बताएं। बहुत अच्छा है दिल का एहसास। अस्सलाम वालेकुम उबेद भाई, सुभान अल्लाह यार उबेद भाई क्या माशाल्लाह से किटिंग देखें यार, सुभान अल्लाह। और उमेर भाई के आप देखें स्टाइल ही नहीं मिल रहे माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी हम लोग असल में अंदर वेट कर रहे हैं उमेर भाई को और उबेद भाई को, दोनों को सहरे में लेके इधर तो आए, आप भी आए भाई। दोनों को हम लोग चादर में लेके जाएंगे रेड कलर में, उबेद भाई को लोगों को येलो दुपट्टे में लेके आऊंगा, क्योंकि लाल दुपट्टा उड़ जाता है हवा के झोंके से। उबेद भाई आप माशाल्लाह से अपने दिल का एहसास बताएं कि आपके दिल का एहसास क्या है। क्या एहसास होगा? ये ढोल बजाने के लिए आया है, ढोल बजाने के लिए आया है, ढोल बाहर रखो जाएंगे से। नहीं नहीं गाइस ये ढोल वाला, ये ऐसे हम लोग टोपी नहीं करा रहे, सजवाद बोल रहे। तो भाई अभी हम लोग बस वेट कर रहे हैं, उमेर भाई कौन आइए वो सब लेके टोकरा लेके जो आते हैं उसको क्या बोलते हैं, मेहंदी। उमेर भाई लोगों की मेहंदी आ चुकी है भाई, और हम लोग अंदर वेट कर रहे हैं उबेद भाई लोगों को पर्दे में ले आने के लिए। ऐसे ही है ना, सर पे दुपट्टा लेके जाएंगे ऐसे 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 करके। देख रहे हैं आप ये उबेद भाई ने अपने हाथों से बनाया है ये। असल में अभी एक्रेलिक में थोड़ा सा नया निकला है कि ये देखें आप, इसके अंदर क्रिस्टल के पीस होते हैं टूटे टूटे। बड़ा आतंक लग रहा है यार कसम से। मछलियां क्या कर रही हैं? अबे यहाँ पर भी आपने कबूतर का इंतजाम कर लिया, ये कहाँ से आया है? कहाँ से पकड़ा है? यहाँ कहाँ से पकड़ा? रोड पे से नहीं यार, कहाँ से पकड़ा है भाई? यार ये तो बड़ा प्यारा चिट्टा जंगला है भाई, कहाँ बैठा हुआ था? मैं रोड में बैठा हुआ था, जमीन पे। नहीं यार बड़ा प्यारा कबूतर है यार, चिट्टा खेरा है। सही जुगाड़ हो गई जमशेदामू की, यहाँ पे कबूतर मिल गया भाई रोड पे पड़ा हुआ। हाँ गिरा होगा ये, जमशेदामू की जुगाड़ लग गई किसी चिट्टा खेरा। सलाम अलैकुम, आपके क्या जुगाड़? देखो कितना प्यारा मुन्ना आ चुका। अच्छा अच्छा जाओ जाओ जाओ, मैं नाराज हो रहा भाई। ऊपर से रस्सी डाल के खींचे हो आप, पर्दे से बाहर आ गए वैसे लोग। खादिया बाजी अपने हाथ दिखाएं, हमारे पास चीज के अलावा दिखाएं।
ना ये वाले असली हैं कि नकली हैं? असली हैं यार, रियल असली हैं। तो ये खुशबू क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि गेंदे के फ्लावर, गेंदे में खुशबू नहीं होती। देखो आ रही है, हाँ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है, लेकिन वो वाली ज्यादा होती है यार, वो जो व्हाइट व्हाइट फ्लावर होते हैं चमेली का। अच्छा उसमें ज्यादा होती है। कहने का मकसद यार, इस बच्चे की शादी करा दो, इधर आओ इधर आओ, इस बच्चे का सेहरा सजवा दो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आपने उमेर भाई को और उबेद भाई को तो सेहरा सजवा दिया और अल्लाह पाक ने सजाया है। तो आपने रिश्ता तो लगवाया है ना यार, हमारा भी लगवा दो यार इंशाल्लाह। हमारा लग ही नहीं रहा है, कपड़े तो पहन के आ गए। बच्चा जो बैठा हुआ है मेराज भाई, ये भी तैयार है शादी करने के लिए, इसकी भी शादी करवाओ, इसका रिश्ता भी लगवा दो। रिश्ता लगवाने के पैसे लेते हैं मेराज भाई। बच्चे ये थोड़े से अपने पैरों पे खड़े हो जाए, रिश्ते को अल्लाह पाक ने तो खड़े हो गए बचपन पे। मेराज भाई कह रहे हैं कि बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो जाए फिर मैं करवाऊंगा, फिर तो मैं अपने कितने 10 साल का होगा मुस्तफा करवा देंगे। मुस्तफा की इंशाल्लाह 17-18 साल में करवाऊंगा। 17-18 साल में और हो गया, रो गया, रो गया। मुस्कुराहट बहुत दबा रहे हूँ मेरे भाई, और उबेद भाई तो स्टिल बैठे हैं। ओए होए होए होए, सुभान अल्लाह। ओहो ओहो, मैं उमेर भाई के सीधा यहाँ पे लगाऊं। बिस्मिल्लाह। नहीं वो जितनी भी बेगम आपकी तशद्दुद करती है ना, आप डायरेक्ट लाइव बता दें, आज पूरे पब्लिक को बता दें तशद्दुद होता है आप पे। थोड़ा पानी, हाँ तो पानी का छिड़काव करो भाई। बहुत बुरी तरह मारती है, बहुत बुरी तरह। और बच्चे जब शैतानी करें फिर क्या करती है? बच्चों को डराने के लिए भी मुझे मारती है। ओए होए होए यार, ये गलत है, ये गलत है मामी। बच्चों को डराने के लिए आप बाप को मारती हैं? एक दफा मैंने मांगा भी नहीं, नाश्ता भी नहीं दिया, नाश्ता भी नहीं दिया। भूखा गया। अखलाक मामू पे बहुत जुल्म हो रहा है। ओह हंसी आ रही है लेकिन आपको, ये जो मेरा गम है, गम है ये हंस के निकलता। जब भी आप ज्यादा हंसते हैं जी, और चप्पल वाला भी खेलते हैं, लगती है तो मामी हंसती, नहीं लगती तो ये हंसते हैं। भाई ये अरीब और अरीश, इन दोनों को डराने के लिए मैं मामा पापा को कुटती थी, फिर ये दोनों ऑटोमेटिक डर जाते थे। वैसे बच्चों को मारना नहीं चाहिए, आपका कहने का मकसद है बाप को मारे तो मारे। हाँ मैंने इजाजत दी है, इजाजत दी है, बच्चे शरारते करें तो मुझे मार लो ताकि बच्चे सही हो जाए। ये एग्जैक्टली, तो क्यूट क्यूट बच्चा उसको भी नहीं मारो। हाँ आपके दोस्त ने क्या पूछा? एक दफा मेरे दोस्त ने मैसेज छोड़ा मार्केट में, बेगम चाहिए। सब ने मैसेज किया मेरी ले लो, मेरी ले लो, मेरी ले लो। उसने वापसी मैसेज छोड़ा कि मैं खुद दे रहा हूँ, ले रहा नहीं हूँ। मामी अबे ये क्या सीन है यार? बेगम से लोग इतने तंग आ चुके हैं, स्टिक के पैसे दो इतनी महंगाई में, और परफ्यूम के पैसे दो, मेकअप के पैसे दो, खाने के पैसे लाएं या मेकअप के पैसे लाएं, आप ये बताएं कहाँ से कितने पैसे, कौन से पैसे। हाँ बात तो सही है भाई। तो ये हैं आज के दौर के मजलूम शौहर, हमारे पैसों से खरीद के हमें ही मारती हैं। ओए गलत है यार, सबके सब यहाँ पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं माशाल्लाह से। अरे वो तो क्लिप बन रहा है ना, ऐसी बातें नहीं करना, उसका भी नुकसान होगा। चलो भाई, इसको कितनी प्यारी जगह मिली है बैठने की, ये ऊपर छोड़ के यहाँ नीचे सुकून से बैठा हुआ। आओ मुन्ना, अबे अबे ये तो सुकून से लेट रहा है यार, माशाल्लाह। ये है यहाँ का बैठने का स्टाइल है, ये थोड़ा सा मुस्कुरा दे। हाँ ये चीज इन्होंने अपनी माशाल्लाह से चरपाई लगाई हुई है, और यहाँ पे देखो सेठ की तरह बैठेंगे। सो गाइज, अभी उबेद भाई और उमेर भाई और मैं, हम तीनों ऊपर आ चुके हैं, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको उनके रूम नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना सजावट कम हुई हुई है। जैसे ही सजावट हो जाएगी इंशाल्लाह फिर कभी मैं चक्कर लगाऊंगा, फिर दिखाऊंगा। तो भाई उबेद भाई और उमेर भाई दोनों आ चुके हैं अपने अपने रूम में, और जाने की रूम में बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, दो दिन बाकी हैं। गाइज उमेर भाई अंदर आके यूं अंगड़ाइयां ले रहे हैं, मैंने बोला क्या हो गया? तो भाई उमेर भाई से पूछते हैं क्या हो गया। उमेर भाई बताएं, बेटे बेटे थक जाता है, शादी करना आसान थोड़ी है, इतनी देर बंदा एक के बाद एक आते हैं, सब रसम करते हैं, है। और हम लोग तो टहल भी रहे हैं, आके थक जाते हैं, मिठाई अबे तो हमें खिलाओ ना यार, तो खाओ ना जाके, तुम खा लो। ये गलत बात है, एक को ही खिलाते रहते हैं, खिलाते रहते हैं, नंबर नहीं नहीं भी खिलाएंगे। वैसे जो है ना स्टार्ट में मीठा खिलाया जाता है कि बकरा रेडी करते हैं, हम लोग बकरा ईद पे गाय लेके आते हैं, उसको हम लोग इतना अच्छा 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 खिलाते हैं,
किस लिए खिलाते हैं? अभी तो भाई फिलहाल हम लोग बच गए, उमेर भाई फाइनली आज से शादीशुदा हो गए। आप लोग उमेर भाई को कमेंट में मुबारकबाद पेश कर दें माशाल्लाह से, और जो आपके दिल में है उमेर भाई आज आप बोल दें, सबके सामने बोल दें। कद्दू कुछ नहीं आ रहा, थकन हो रही है। सबर रखो थोड़ा सा, तुम्हारा भी नंबर आने वाला है, जल्दी आएगा। अभी कैसे आएगा? मम्मा बैठी थी, उन्होंने बोला था अभी इसका नंबर आने वाला है। आए नहीं यार, नहीं करो उमेर भाई। गाइस उमेर भाई ने माशाल्लाह से खुशी की खबर सुना दी है। ये वीडियो जानी चाहिए, देखो वो लाइकों की पहचान। और उवैद भाई ने देखो माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या या अली मदद, वरना यहाँ पे लोग शादी मुबारक लिखवाते हैं, लेकिन उवैद भाई ने या अली मदद लिखवाना, प्यारा नाम। ये सुसर हमारे लेकर आए, सुसर आपके लेकर आए, सुसर और ये मेरी अम्मी, उनको पता है यार अली वाले हैं। यकीन करें दिल चाह रहा है, चुम्मी ले लो, चुम्मी ले लो। ज्यादा हो गया वो, ये हजरत के पागल हो गया। गाइस फाइनली बाहर खाना खुल चुका है, बहुत ही वीआईपी टिक्का कबाब वबाब। चलते भाई फटाफट मुफ्ता फोड़ने, तो चलो। उमेर भाई देख रहे हैं भाई सामने, तो उमेर भाई ने सुन लिया। बात नहीं कि मुफ्ता तोड़ने चलो। हाँ यार हमने तो बुलाया है ना। हाँ तो मुफ्ता थोड़ी हुआ ये, तो बुलावे वाला हुआ। चलो आ जाओ हम लोग फिर साथ चलो, में खाएं। तुम चलो मैं आ रहा हूं। क्या मसला है ये, ऊपर बार बार कमरे में क्यों आ रहे हैं आप बार बार? मैं नहीं बताऊंगा। हमारे पास खाने में है पराठे और पूरी भी, और ये देखो माशाल्लाह से कबाब, आ हा हा, और माशाल्लाह से कोल्ड ड्रिंक भी है। वो बाहर है, वो बाहर जाके पीऊंगा। असल में आपका भाई थोड़ा प्राइवेसी पसंद करता है, इस वजह से मैं घर में आके खाना खा रहा हूँ। थोड़ा भीड़ भाड़ से बचना पड़ता है ना यार, सेलिब्रिटी है ना आपका भाई। चल झूठा, समझ रहे हो ना, चप्पड़ में बैठना पड़ता है। तो चलो भाई खाते हैं भाई, और टेस्ट बताते हैं इसका कैसा टेस्ट है। गाइस यकीन करें खुदा की कसम ऐसा लाजवाब टेस्ट है ना, ओ हो। उसके साथ ये प्याज, आहा, बड़ा लाजवाब टेस्ट है यार, बहुत जबरदस्त है। ये देखो भाई, ये गया सीधा आपके भाई के, बहुत टेस्टी है। चलो अब चलते हैं बाहर, चल के ये सही से खाते भी हूँ, कोल्ड ड्रिंक भी पीते हैं। ले लो भाई, हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह, एक साथ अन्नी अन्नी जल्दी जल्दी, मजा आ गया। गाइस अरीब बोल रहा है कि मैं एक सांस में बहुत यक कोल्ड ड्रिंक पी के दिखाऊंगा, चल तेज ले लेंगे। वो कह रहा मजे ले लेके पीऊंगा भाई। ये इतने सारे गुलाब जामुन आ चुके हैं भाई आपके भाई के लिए स्पेशल। दादा नहीं भाई उल्टी आ जाएगी। नहीं मैं इतना ही खाता हूँ कि ना खिलाने वाला परेशान हो ना खाने वाला परेशान हो। पता चले अभी जाके खा के घर पे आके उल्टी करें या हाजमोला खाएं। इतना खाओ जितना हजम हो जाए, बात तो सही है। अब इससे पहले कि ये गिलास गायब हो जाए, इसमें मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक निकाल के इज्जत से पी लूं। ये वाली नीचे रख लेते हैं इससे पहले कोई ले जाए। ये देखो भाई नीचे रख लिया मैंने, एक सांस में वो ठंडी नहीं, एक सांस में नहीं पी सकता भाई, फेफड़े फेफड़े में चली आएगी, फिर जाके इलाज करवाना पड़ेगा। मोहब्बत होता है इसी हो, बाबुल की दुआएं लेती जा, दुआएं दे। इनको भी ओए क्या बोल दिया मेरे भाई कान में, मैं नहीं बताऊंगा। सिंध पुलिस गाइस, ये हमारे खानदान की पुलिस है। ट्वीट 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 ट्वीट, बस सही है, बता दिया मैंने, खानदान की हमारी पुलिस है। ये देखो भाई इन लोगों ने मेरे इस्तकबाल के लिए ये सारे फूल इकट्ठा करे, ये कह रहे हैं मेरे पे बरसाएंगे, मेरे को पकड़ने के तैयार हो। कहां से तुम लोग लेकर आ रहे हो? अबे तुम लोगों ने इतने सारे फूल खराब कर दिए यार। खैर मेरे पास एक फूल आ गया है। और देखो तो सारे लोगों ने यहाँ पे फूल ही फूल कर दिए भाई। बस। सो गाइस बस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं। कीन करे बहुत जबरदस्त माही हुआ, दिल खुश हो गया, माशाल्लाह से खाना भी बड़ा टाइट था। ये देखे मैं फूल लेके आया था, मैंने बोला चलो किसी को दे देंगे, लेकिन भाई कोई है ही नहीं, तो चलो ये मछलियों को ही दे देते हैं, मछलियां खा लेंगी। सो बस आई होप आपको व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो वीडियो को कर दें लाइक, एंड चैनल पे न्यू कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हा जन्नत जन्नतुल फिरदौस।